एक सवाल ये है सर, अस्पताल की तामीर और तरक्की और मिशनरी के लिए ज़कात फंड का इस्तेमाल किस सूरत में जायज है? अस्पताल की तामीर और तरक्की व मिशनरी के लिए, मशीनरी ज़कात फंड का इस्तेमाल किस सूरत में जायज है? ये सवालात इस तरह के आते हैं तो अपनी कौम पर हैरत होती है। ज़कात सिर्फ 2.5% है, 100 में से 250 रुपये में से 250 रुपये ज़कात निकालना है जो गरीबों का, बाकी 97.50 रुपये आपके अपने पास हैं। 2.5 रुपये में आप दुनिया का सारा काम करना चाहते हैं और 97.50 रुपये में आपका अपना पेट भी नहीं भर पाता। ये बखीली की हद है। वो हक तो गरीबों का था, फकीरों का था, मोहताजों का था। आप अपने इलाज के लिए भी फकीरों ही का पैसा इस्तेमाल करेंगे? ये किस कदर अफसोस की बात है। ये बखीली की हद है। बखील के बारे में हदीस पाक में फरमाया गया वो लोगों से दूर है, फरिश्तों से दूर है, अल्लाह से दूर है, सबसे दूर है। सखी बनिए, सखी लोगों से करीब, जन्नत से करीब, अल्लाह से भी करीब। बेशक हम सखावत के लिए नहीं कहते कि 50% दे दीजिए, बस 2.5% और हिम्मत कर लीजिए। वो 2.5% तो गरीबों के लिए हो गया और 2.5% और निकालिए अस्पतालों के लिए, आपका भी तो इलाज होगा ना, उससे आप अस्पताल कायम कीजिए। बखीली है हमारी, हमारी कौम की, हमारे समाज की, कि आज हमारे पास बड़े बड़े शहर हैं लेकिन हमारे पास अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी पैथोलॉजी नहीं है, हमारे पास अच्छे डॉक्टर नहीं है। आप सखावत का दरवाजा खोलिए और सिर्फ 2.5% की हद तक, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2.5% की हद तक। 95% आप अपने पास रख लीजिए, 2.5% सदकात के लिए खोल दीजिए और 2.5% ज़कात के लिए खोल दीजिए, फिर इंशाअल्लाह ताला आपके गरीब अमीर हो जाएंगे और आपके इलाज के लिए जगह जगह शर्म हॉस्पिटल होंगे, अच्छी अच्छी मशीनें होंगी, आपके लिए कोई मोहताजी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपने दोस्तों से, मालदारों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग अपना दिल खोल कर हिस्सा लें और चंदे से काम चलाएं। चंदे से काम नहीं चल सकता है तो गरीबों में से भी कुछ ले लीजिए, हिला शरीक करा लीजिए, उसकी इजाजत दे देंगे, मगर सब वही लीजिए और उसी से काम चलाइए तो इससे मना करेंगे और इससे रोकेंगे। हमारा मशवरा वही है कि आप 2.5% और निकालिए, उससे हॉस्पिटल का बनवाइए, कमी पड़े तो कुछ फुकरा में से भी दे दीजिए और उसका हिले शादी करा लीजिए। बैठे 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 आप